ये आज जो भारत है कैसे बना, ये आरएसएस बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में जो मौजूदा भारत है, या जो हम जिसको कहते हैं ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। 65,000 years ago people from Africa came to India, भारत of that time। 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। फिर उसके बाद मशरिकी एशिया से ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर उसके बाद से सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया से लोग आए, उनको आर्यन बोलते। तो चार किस्म का माइग्रेशन हुआ, अफ्रीका से, ईरान से, और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से, जिसको स्टेप्स पेस्टोरलिस्ट कहते हैं, और चौथा वस्ती एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये चार आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो ड्रेविडियन का है, आदिवासियों का है। मगर बीजेपी आरएसएस का है, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, ड्रेविडियन यहां का है, ये आर्यन आए थे 4,000 साल पहले।